आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले प्रधानमंत्री मोदी रामायण से जुड़े तमिलनाडु के मंदिरों के दौरे पर। रविवार को पहुंचे अरिजल मुनाई, समुद्र तट पर किए पुष्प अर्पित। दिल्ली एम्स में 22 जनवरी को भी सामान्य दिनों की तरह ओपीडी सुविधाएं। पहले 22 जनवरी को आधे दिन तक ओपीडी सुविधाएं बंद रखने का लिया गया था फैसला। अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जेपी नड्डा। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का देखेंगे सीधा प्रसारण। तीजा सज्जा स्टारर हनुमान के मेकर्स ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में किया दान, 2,66,00,000 रुपए का किया दान। हर टिकट से 5 रुपए प्राण प्रतिष्ठा पर दान करने का किया था वादा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल फिर आमने सामने। सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर तनातनी। दिल्ली सरकार ने 20 जनवरी को भेजने की भेजी है फाइल। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम, सैकड़ों ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। अफगानिस्तान में विमान दुर्घटना की नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की पुष्टि, कहा दुर्घटनाग्रस्त विमान भारत का नहीं, पंजीकृत छोटा विमान मोरक्को का। मणिपुर पुलिस ने आदिवासी एकता समिति और कुकी एनपी मणिपुर के आरोप को किया खारिज, कहा घाटी में विद्रोही समूहों और मोरहे में सुरक्षा बल के कर्मियों के वेश में मेईतेई उग्रवादियों के बीच मिलीभगत नहीं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने की शोएब मलिक से तलाक की पुष्टि, इससे पहले शनिवार को सानिया के पिता ने की सानिया मिर्जा की खुला की पुष्टि। इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे चेतेश्वर पुजारा का घरेलू क्रिकेट में बरसा बल्ला, रणजी ट्रॉफी 2024 में खेली बेहतरीन पारी, विदर्भ के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।